अरे अरे मुकाबला। तो यहाँ पे हमारी नजर गई इस लड़की पे जो स्कूटी को धक्का मार रही है। अब आगे देखो, गर्मी बहुत थी, चक्कर आ गए, पता नहीं क्या रीजन था, बस हमने ये देखा ये लड़की स्कूटी लेकर गिर गई। अरे अरे एक बार देख लो कि लगी तो नहीं। पूछताछ करने के बाद हमें पता लगा लड़की की स्कूटी खराब हो गई है, वो स्टार्ट नहीं हो रही। बढ़िया माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सारे भाई बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे भाई, और हम भी ले रहे हैं मौज, कसूती वाली मौज आ रखी है इस टाइम। तो भाई आज है 19 अप्रैल और 4 बजने वाले हैं, और अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ आई है अपने को कि भाई साहब आज रात से अगले मंडे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगने वाला है, मतलब प्रॉपर बात ऐसे ही कुछ आई है न्यूज़ की। अचानक से भाई मेरे पास आ गया बिजली पार्टी का फोन और कहते हैं कि भाई लॉकडाउन लगने वाला है। हाँ भैया लॉकडाउन लग रहा है, बताओ क्या प्रोग्राम है। तो कहते छोटी मोटी राइड मार ही लेते हैं आसपास की, कहीं गेड़ा गुड़ा मार लेते हैं। मैं कहा ठीक है भैया, आसपास का गेड़ा गुड़ा मार लेते हैं। मैं कहा ग्रीन गोब्लिन को, तो मैंने सोचा मैं कहा पैंथर भी देख लेंगे, पैंथर पे नया रैप हुआ वो भी देख लेंगे, अपनी जनता को भी दिखा देंगे। क्योंकि जब पहले वाला रैप हुआ था अपनी उस पर पैंथर पे, तो भी मैंने आपको सबको दिखाया था, अब नया जो रैप होगा वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो अभी से ही खाली है भाई, लॉकडाउन लगेगा कल, छोड़ा है आज ही खाली। और 4 बजे मैंने पार्टी को बुलाया था, और 4 बजे में कितनी देर है, 4 बजे में भी 15 मिनट देखते हैं पार्टी कितनी देर में आते हैं। टाइम दिखाता हूँ मैं आपको क्या हो गया, 4:26 हो गए हैं। 26 मिनट मतलब मैं पहुंच गया 4:10 समथिंग पे, मैं पहुंच गया था यहाँ पे, ठीक है। मैं मतलब 10 मिनट लेट था पाजी, मेरे से भी 15-20 मिनट लेट है। अब देखते हैं पाजी कितने बजे आते हैं, ठीक हो रहा है। टाइम 4 बजे का टाइम था, पाजी आ रहे हैं हमारे 4:28 तक। तो ये आ गई हमारे पाजी की शोर मचा दी हुई भूसा, तो भाई साहब आज करमपुरा के रोडों पे मचाएंगे हम शोर इसी पाजी दे रहे हैं भाई साहब। तगड़ा तगड़ा फ्लाईबाय, क्या बात है, मेरा कैमरा ऑन होना चाहिए बस, यही मेन है। तो पाजी व्हीली मार के दिखा दो क्या, व्हीली व्हीली ये देखो ना। है टक्कर, है मुकाबला, है मुकाबला। अब 10 से 10 मैनू कितने भाई, चढ़दा मुकाबला, चढ़दा मुकाबला। तो भाई साहब पुलिस वाले के आगे व्हीली, पुलिस वाले के आगे व्हीली, क्या बात है। अरे कौन तो क्या करना है, अरे अरे उठा उठा आ जाओ आ जाओ, लगी तो नहीं, नहीं एक कोई बात नहीं, रुक मैं साइड करता हूँ, कर दो और ना ठीक हो ना, एक बार देख लो कि लगी तो नहीं है। आप ठीक हो ना, आपके तो नहीं लगी, आप धक्का क्यों मार रहे थे? अबे स्टार्ट में तो धक्का मार रहे थे, अच्छा स्टार्ट नहीं हो रही भाई, मैंने सुनी नहीं बात, चेक कर लेते हैं। क्या हो गया इसको, पेट्रोल तो है यार इसमें। हम ही मार देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, तेरे में इतनी उड़ती उड़ाने दे ऊपर कहीं, ओवर हो गई मेरे हिसाब से, एक बार टंकी खोल के मारेंगे हो जाएगी। चलो ये फिर, अरे वाह पावर होनी चाहिए भाई साहब हाथों में, टांगों में पावर होनी चाहिए, हो जाती है स्टार्ट। लीजिए जी स्टार्ट कर दी, एनीथिंग एल्स, कोई और हेल्प अगर आपको भी अगर लगी वगैरह चोट वगैरह हल्की कुछ तो वेलकम टू, तेरे साइज देखिए, हेलो कर ले, हेलो आप देख लीजिए एक बार चलती है। क्या नाम है? वाइल्ड विंग राइडर, सुना हुआ है नाम, मेरे 45,000 समझते। तो भाई बिखर गई थी लड़की, बिखर गई थी। और भाई ये आ गया हमारा पैंथर वापस, कितना प्यारा लग रहा है भाई साहब देखने, पाजी मैं चलाऊंगा, आप लोग पल्सर चलाओ, देख ये देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम मैंने नहीं रखा, नामकरण नहीं हुआ अभी इसका, आप रख लो कुछ रखना है तो। हाँ तो भाई अपन चलाते हैं भूसा, और पाजी ने रख रखा है यहाँ पे अपना जो बैग,
ओए भूसा की फील ही अलग है यार, बैठते ही ना मज़ा आ जाता है भूसा पे। और कैमरा ऑन होना चाहिए कि भूसा चलाई और कैमरा भी ऑफ तो मज़ा भी ना आए। ओए होए होए, पहला गियर डाला, स्टैंड करा ऊपर और ये मारा हमने रेस। चीज है भाई साहब चीज। तो वाइजर हम कर लेते हैं अपना डाउन, तो अपना वाइजर हो गया डाउन। बाकी लोग बिखर जाते हैं भाई रोडों पे, ऐसे ध्यान से चला करो, ऐसे बिखरा बिखरा मत करो। बीली मार दूँ क्या आज भूसा में? पाजी कहाँ है? पाजी हमारे आगे चले गए, वरना हम बीली मारते बहुत आगे चले गए पाजी। तो भाई साहब गाड़ियाँ काव 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 करने लग जाती है भूसा की आवाज़ सुनते ही। पाजी से मेरे को, पाजी को देना है मुझे कैमरा, तो पाजी को दे देते हैं हम अपना कैमरा। मतलब पाजी का ही कैमरा मेरे पास पड़ा हुआ था, वो मैं दे देता हूँ पाजी को। भाई साहब भागती है ये, भागती है कुतिया, कुत्तों की तरह भागती है, कुत्ते की तरह तो बोलने लगती है, कहते कुतिया की तरह भागती है। देखो कू 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 करने लग जाती है चीज़ें जो भी रोड पे आती है, इस नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे लग जाती है, ऐसी जगहों पे लग जाती है भीड़। और भूसा भाई ज़्यादा लीन नहीं होती, अभी मैंने जैसे हल्की सी लीन कर ली थी तो फिर वापस सीधी करने में थोड़ा सा जोर लग जाता है, क्योंकि मेरे को आदत है पल्सर की। और भूसा की तो बातचीत ही अलग है ब्रो। यहाँ पे है सामने शिव जी का मंदिर, हमने करी भूसा न्यूट्रल। कौन से मोड़ पे थी पाजी ये? स्पोर्ट्स पे थी? स्पोर्ट्स नहीं होता, एबीसी, वन एबीसी होता है। एबीसी अभी कौन से पे थी? ए पे। सबसे पावरफुल कौन सा होता है? ए ही होता है, ए होता है सबसे पावरफुल। सबसे पावरफुल मोड़ पे चलाई मैंने, सबसे पावरफुल मोड़ पे चलाई भाई साहब। अभी हमने हाया भूसा को और ये हमने झुका दी। आयो पाजी साइड करा कि हम हेलमेट उतारेंगे, कोरोना बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। मैंने मास्क भी लगा रखा है हेलमेट के नीचे, बस सही सेम हेलमेट भाई, सेम हेलमेट भी है और सेम वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे दर्श शर्मा भाई के चैनल पे भी, क्योंकि यहाँ से हम जाएंगे गेड़ी मारने। ठीक है जी, गेड़ी मार रहे हैं। मैं फटाफट से दर्श से ले लूं कैमरा अपना। हाँ कैमरा देते हैं आपको पहले। ये भाई बच्चा कह रहा है कि इसको खिंचवा लिया पाजी की बाइक पे फोटो, तो पाजी ने कहा खिंचवा ले भाई, पर बच्चे पे फोन ही नहीं है। अब पाजी ने डिसाइड करा है कि पाजी खींचेंगे इसकी फोटो, फिर वो बच्चे मैसेज करेगा इंस्टाग्राम पे, फिर इससे क्या होगा? इंस्टाग्राम पर नहीं है, इंस्टाग्राम पे भी नहीं है फोटो, नहीं वो खाली बैठ के एंजॉय कर रहा है। भाई मैं नंबर नहीं दे सकता ना, सॉरी। फेसबुक पे है तो मेरा है डीएस सहानी के नाम से है, मुझे मैसेज कर देना, मैं फोटो भेजूंगा। ठीक है, फोटो खींच। भाजी क्या पढ़ रहे हो? उनके टैटू अच्छा लग रहा है। अच्छा, खा रहे हैं आज? आप कौन सी खा रहे हो? मैं भैया मैंगो ड्यूट खा लो, मैंगो ड्यूट, और मैं खाऊंगा चोको ब्रोनी ना बेब को पूरे दो महीनों का। तो जब आने वाली है, हो चुकी है, अगर लॉकडाउन नहीं हुआ कल परसों से तो आ जाएगी। जिस दिन बेब गई थी सबसे पहले न्यूज़ आई थी मेरे चैनल पे, सबसे पहली मेरे चैनल पर थी कि बेब गई है, याद करो है ना। मैं घर पे आया था उस दिन, मेरे माध्यम से पता लगा कि बेब जा चुकी है कहीं अपने ससुराल घूमने गई है। माइके गई है पाजी के ससुराल, अपने माइके गई है। और जब वो आएगी तो सबसे पहले मेरे चैनल पर पता लग गया, अभी मेरी भी रेडी हो चुकी है मेरी बाइक। हाँ, सब कुछ हो चुका है, बस क्लेम की कुछ डिटेल्स वीटेल्स हैं, कुछ मतलब कि पेपर वर्क है वो रह गया, तो होपफुली वो हो जाएगा। और अगर लॉकडाउन नहीं हुआ तो कल या परसों बाइक आ जाएगी, होपफुली फिंगर्स क्रॉस लॉकडाउन होगा तो फिर कब तक ली गई। और मैं बता दूँ आपको कि मैं आपको बता देता हूँ, जो नए व्यूवर्स हैं वो बेब है हमारी S1000RR M Pro स्पोर्ट M Pro स्पोर्ट, देख रहे हो मतलब जैसे होता है ना 12वां प्रो मैक्स, वैसे ही S1000R स्पोर्ट एम प्रो, जो मतलब जो भी समझ जाओ, गूगल कर लेना, अब इतनी डिटेल हम नहीं दे रहे। बाकी पाजी के चैनल पे है डिटेल उसके बारे में सारी। सर चैनल है भाई का वाइल्ड विंग राइडर, भाई का चैनल है दर्श शर्मा ऑफिशियल, हमारा फोन पे चलता है, ब्लॉग का फोन आ गया। ओहो हाँ, ये तो भाई कल से लग रहा है लॉकडाउन, तगड़ा वाला लॉकडाउन लग रहा है, कल से एक हफ्ते का लग रहा है ना पूरे। तो तो आज अपना मिलने का लास्ट दिन था, एक हफ्ते बाद ही मिलेंगे पाजी। हाँ जानते हैं, बहुत मिस कर रहा हूँ।
कोई बात नहीं। तो आज अब ये वाली वीडियो अपनी एंड कर देते हैं यहीं पे। और नए व्यूवर जितने भी हैं भाई साहब, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। और ये रेशियो आप देख लो साइड में, 97% बंदों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, ठीक है? तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।